Sure. So, everybody is ready? Are you guys ready? So, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिए गाइज. एवरीबॉडी इज रेडी आई गेस. ओके, सो मुझे मेंशन कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या. कमेंट कर दीजिए कृपया कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या. नवरात्रि की सबको बहुत सारी शुभेच्छाएं. ठीक, आज अगर मैं छोटा चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, सो कृपया बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहिएगा. आज हम एक छोटा बट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. ठीक, जो सेक्शन नंबर 139 से लेकर सेक्शन नंबर 148 तक है. ठीक है, तो उस चैप्टर को आज हमको सबसे पहले कवर करना है. सो एवरीबॉडी हाय एंड गुड इवनिंग. जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, आई होप सो कल का रिवीजन आपने देखा होगा और कल का रिवीजन आपको पसंद भी आया होगा. सो प्लीज एवरीबॉडी, ये चीज को आप याद रखिएगा कि कल का रिवीजन आपके फायदे के लिए था. मैं एक बार लिंक सबसे शेयर कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट. श्योर, सो इंटर चैप्टर वाइज रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं. होल्ड, आई होप सो कल का रिवीजन सबने देखा होगा. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं एक बार लिंक सबसे शेयर कर दूं, जस्ट वेट. आ जाइए फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले. सो सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया, लेट्स गो. सो गुड इवनिंग एवरीवन. आज हम एक छोटा चैप्टर कवर करने वाले हैं सबसे पहले, और वो है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, सो कृपया बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स चैप्टर को हम समझते हैं और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स चैप्टर के बाद में हम आगे बढ़ेंगे. अब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स चैप्टर अगर आप देखो, तो सबसे पहले ऑडिट ऑफ अकाउंट्स चैप्टर का आपको थोड़ा सा सेक्शन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सो इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहले थोड़ा सा सेक्शन स्ट्रक्चर के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा, सो दैट आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओ. सो मैं उसी चार्ट के ऊपर जाता हूं जो क्लास के अंदर मैंने आपको स्पेसिफिकली सेक्शन स्ट्रक्चर के लिए ड्रॉ करके दिया था. ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के अंदर अगर आप देखो, तो स्टार्टिंग सेक्शन नंबर है 139, एंडिंग सेक्शन नंबर है 148. 139 ये जो सेक्शन नंबर है, ये बेसिकली डिवाइडेड इनटू है डिफरेंट पार्ट्स, जिसके अंदर सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 4 है रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, सबसेक्शन नंबर 5 है रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, सबसेक्शन नंबर 6 है फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, सबसेक्शन 7 है फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, और सबसेक्शन 9 से लेकर 11 रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. तो पहला सबसेक्शन इज रिगार्डिंग रेगुलर ऑडिटर रेगुलर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा फर्स्ट ऑडिटर फॉर नॉर्मल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, फिर कैजुअल वैकेंसी और रीअपॉइंटमेंट. फिर उसके इसमें आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया. अब ऑडिटर को हकालो, हकालने के लिए सेक्शन नंबर है 140 एंड 141. 140 सबसेक्शन 1 में है रिमूवल एंड 140 सबसेक्शन 2 में है रेजिग्नेशन. जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑडिटर के, वो है 141 में. सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार, उसे 141. येलो कलर का शर्ट पहना है तो मैं शायद पिंक पिंक दिख रहा हूंगा, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना. ठीक है, सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज, फिर ऑडिटर का वर्किंग आएगा. वर्किंग है सेक्शन नंबर 142 में, और 142 में आपको मिलता है रेमुनरेशन. 142 में दिया गया है क्या वाली बात, उसे रेमुनरेशन. 143 में है पावर्स एंड ड्यूटीज, 144 में है प्रोहिबिशन ऑन सर्विसेज, 145 में है साइनिंग, 146 में एनुअल जनरल मीटिंग के कम्युनिकेशन जो ऑडिटर को करने हैं, और 147 में है कॉन्ट्रावेंशन, 148 इज द कॉस्ट ऑडिट. तो इस प्रकार हमने ऑडिट सेक्शन चैप्टर के सेक्शन देखे हैं. आप चाहिए तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता, सो दैट सेक्शंस आपको याद करने में काफी आसानी हो जाए. ठीक है, सो खींच लो स्क्रीनशॉट. चल बहुत बढ़िया.
अब मैं चैप्टर के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज भाई साहब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं जिस नोट्स पर से रिवाइजन करवा रहा हूं आपको, वो मेरे पास के नोट्स है जो अभी अभी नए डेवलप किए, पर उसके अंदर वही चार्ट है जो आपके रजिस्टर में चार्ट है, तो कृपया आप चार्ट रजिस्टर में ओपन करके रखिएगा तो आपको ये नोट्स मैच हो जाएंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं सेक्शन नंबर 139, पर पहले मैं शुरू कर रहा हूं फर्स्ट ऑडिटर से, सबसेक्शन नंबर 6 एंड सबसेक्शन नंबर 7 के साथ में, ठीक है? तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर याद ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 में है, जिसके अंदर नॉर्मल कंपनी की बात की गई है, और 139 सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट कंपनी की बात की गई है। देयर इज अ नॉर्मल कंपनी एंड कौन सा गवर्नमेंट कंपनी। नॉर्मल कंपनी में अगर आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नॉर्मल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 30 डेज के अंदर नॉर्मल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, और अगर फेलियर हो गया तो उसको ईजीएम में अपॉइंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हम उसको अपॉइंट करेंगे, ये चीज को याद रखना। और ये ईजीएम 90 डेज के अंदर हो सकती है मैक्सिमम, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये चीज को आपने याद रखना, ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है तो इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा, और अगर सीएजी का फेलियर हो गया तो ये नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गया तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर ईजीएम अपॉइंट करेगा, ये चीज को आपने याद रखना। यहां सीएजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम है, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीधा ईजीएम है, ये डिफरेंस है फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है? आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बास तो बेटा बढ़ाया ही नहीं है, बास तो सेम है, कोई मतलब बास का कोई संबंध ही नहीं आता आपको, थोड़ा ऑडियो तो कल जैसा ही है बेटा, मतलब ऑडियो के अंदर कोई चेंज नहीं किया है हमने, अच्छा ठीक है। सो आई होप सो अभी ठीक से आ रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये है फर्स्ट ऑडिटर। आप अगर चाहो तो फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजन रीड कर सकते हो। मैं जा रहा हूं अभी रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी के लिए। रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज ऑफ कंपनीज को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज को डिफाइन कर रहा हूं। आप टाइप्स ऑफ कंपनी को लीजिए, पब्लिक प्राइवेट और ओपीसी के अंदर इसको डिवाइड कर दीजिए। पब्लिक कंपनी है लिस्टेड, पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, बोरिंग फ्रॉम पीएफआई लोन्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा है 50 करोड़। ये है बिग कैट्स, ये है क्या बोले एक बार उसे, बिग कैट्स बड़ी कंपनीज, ठीक है? बिग कैट्स बड़ी कंपनीज। और प्राइवेट के अंदर ओपीसी तो हालांकि इतनी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो 50 लाख और 2 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकती है। सो प्राइवेट और अगर ओपीसी है तो पेड अप कैपिटल आपका 50 करोड़, बोरोइंग फ्रॉम द पीएफआई लोन्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा जो है 50 करोड़। तो ये दोनों के सिचुएशन में आप इनको कैटेगरी ए कंपनी मतलब बिग कैट्स बोलोगे, और फिर जो अदर्स है हम उनको स्मॉल कैट्स बोलते हैं, स्मॉल कैटेगरी कंपनीज। अब जो बिग कैट है बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली, उन बड़ी बिल्लियों के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स लगता है, बड़ी बिल्लियों के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स लगता है। मतलब कैटेगरी ए कंपनीज के लिए अगर आप देखोगे तो पहले तो आप अगर इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो कैटेगरी ए कंपनीज के लिए तो वो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, और फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, फिर 4 एजीएम में फर्दर रीअपॉइंट हो सकता है, और वो 6th एजीएम में रिटायर करेगा। मतलब कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर बड़ी बिल्ली में सिर्फ 5 साल हो सकता है, बड़ी कंपनीज के अंदर कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर सिर्फ 5 साल हो सकता है, और उसके बाद में उसको 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड लगेगा, 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड लगेगा। ये कूलिंग पीरियड के ड्यूरेशन में ना ही वो ऑडिटर और ना ही उस ऑडिटर का कोई भी फर्म ये उस कूलिंग पीरियड में कनेक्टेड होना चाहिए, उस कूलिंग पीरियड में उसको किसी भी एंगल से कनेक्ट किया हुआ नहीं चलेगा, यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है? ना ही वो ऑडिटर ना ही उसका कोई फर्म किसी भी तरीके से यहां पे कूलिंग पीरियड में ऑडिटर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले इंडिविजुअल ऑडिटर था फिर फर्म बना के उस कूलिंग पीरियड में ऑडिटर बन गया, यह नहीं चलेगा। दूसरा, अपॉइंटमेंट करना है अगर फर्स्ट एजीएम के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्म एज ऑडिटर, तो फर्म ये मैक्सिमम 10 साल तक रह सकती है, 10 इयर्स तक के फर्म रह सकती है, और 10 इयर्स के बाद में फर्म को 10 इयर्स का कूलिंग नहीं, सिर्फ 5 इयर्स का कूलिंग है। बच्चों बिग कैट्स के अंदर फर्म को सिर्फ 5 इयर्स का कूलिंग है, यहां पे भी 5 इयर्स का कूलिंग है, यहां पे भी 5 इयर्स का कूलिंग है, और ना ही वो फर्म ना ही उसका कोई पार्टनर, ना ही फर्म ना ही पार्टनर ये कूलिंग पीरियड में एज ऑडिटर चलेगा। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, यह है बिग कैट्स के लिए। फिर अगर कोई कैटेगरी बी कंपनीज है,
जिनको हम स्मॉल कैट्स कह सकते हैं, अगर कोई कैटेगरी बी कंपनीज है तो कैटेगरी बी कंपनी या स्मॉल कैट्स के सिचुएशन में यहां पे जो ऑडिटर है स्मॉल कैट्स के लिए, यहां पे जो क्या है बल्कि से ऑडिटर, वो आप जन्मों जन्मों तक युगों युगों तक चलाते जाओ, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी बी में तो अभी तक जो चल रहा था जैसा का वैसा ही चलेगा, जन्मों जन्मों युगों युगों तक एक ही ऑडिटर चलाओ। ठीक है, पर जब भी कैटेगरी बी कंपनी बिग कैट बन जाएगी तो उनको ये कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज के अंदर बोला है कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से 180 डेज के अंदर आपका ऑडिटर आ जाना चाहिए और वो ऑफिस होल्ड करेगा उस फाइनेंशियल ईयर के जनरल मीटिंग तक के। मतलब यहां पे 180 डेज, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 25-26, उसके 180 डेज मतलब नियरली 30 सितंबर के आसपास सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा? सीएजी। और ये ऑफिस कब तक होल्ड करने वाला है? तो ये ऑफिस होल्ड करेगा टिल 30th of September 2026, मतलब अगले एजीएम तक के, जो 25-26 के लिए एजीएम होगी उस एजीएम तक के ऑफिस होल्ड कर सकता है। ये है आपका रेगुलर ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉर्मल कंपनी। ठीक है, मैंने पहले कैटेगरीज बकायदा एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर बिग कैटेगरीज के प्रोविजन, फिर स्मॉल कैटेगरीज के प्रोविजन, बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली, फिर सरकारी बिल्ली, सरकारी बिल्ली मतलब गवर्नमेंट कैट, इसके भी प्रोविजंस मैंने एक्सप्लेन करके रख दिए है। नाउ मैं चाहूंगा, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर सबसेक्शन 5 और 6 और 7 फर्स्ट ऑडिटर का, तो आप थोड़ा 2 मिनट लीजिए और फटाफट इसको एक बार रीड कर लीजिए आपके नोट्स में से। गो फॉर इट फास्ट। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करनी है प्रतीक, उसमें से कोई एक भी किया तो भी चलेगा। प्रशांत, चैप्टर 1 में इंडोर मैनेजमेंट हो चुका है, उसका लेक्चर 75 नंबर का गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो चुका है और उस लेक्चर को आपने शायद देखा नहीं है। हमने इसको यूट्यूब पे भी अपलोड किया था पर आपने उसको भी प्रशांत मिस कर दिया है, इसलिए आपको शायद अभी तक पता नहीं चला है। तो कृपया गूगल ड्राइव के ऊपर जाइए और आपके लेक्चर ओपन करके देखिए। चलो डन एवरीबॉडी, आईएमपी सेक्शंस में एंड में मेंशन करूंगा रिवीजन कंप्लीट होने के बाद। चल डन एवरीबॉडी, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये होने के बाद में नेक्स्ट हम जा रहे हैं कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के ऊपर। कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर 139 सबसेक्शन 8 में है। देखो सिंपल, 1 से लेकर 4 है रेगुलर ऑडिटर रेगुलर कंपनी, 5 है रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 6 और 7 है फर्स्ट ऑडिटर का, 8 है कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर का। कैजुअल वैकेंसी का सिंपल मतलब होता है कभी भी ऑडिटर रिटायरमेंट के पहले किसी भी तरीके से अगर उसको ऑफिस छूट जाता है या किसी भी तरीके से उसका ऑफिस अगर बंद हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम अपॉइंट करते हैं कौन सा ऑडिटर, बोले एक बार उसे कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर ये नॉर्मल कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन कैजुअल वैकेंसी से 30 डेज में, मतलब समझो ऑडिटर का डेथ हो गया, निपट गया एक्सेट्रा, तो वहां से 30 डेज में बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से उसको अपॉइंट करो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर को। अगर ऑडिटर का कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के वजह से हुआ है, काय के वजह से हुआ है बच्चों, रेजिग्नेशन के वजह से हुआ है, तो ये बहुत सीवियर बात है, ऑडिटर रिजाइन करके गया मतलब कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो गलती नहीं, कहीं एम्प्लॉइज की तो गलती नहीं, इसका डाउट आ सकता है। सो अगर उसका रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से उसको अप्रूव करवा लो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन से 3 महीने में जीएमओआर पास करवा लो। अगर रेजिग्नेशन से हुआ है तो इसको स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदर देन रेजिग्नेशन अगर रीजन है तो ऐसे सिचुएशन में कैजुअल वैकेंसी जो है वो कंफर्म करनी पड़ेगी आपके बोर्ड मीटिंग में ही, जो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ वही कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो गई। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कैजुअल वैकेंसी से 30 डेज में सीएजी इसको अपॉइंटमेंट करेगा, और सीएजी नहीं करता है तो 30 डेज में उसको बोर्ड मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, सीएजी नहीं करता है तो। रही बात इन ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा, तो इनका टेन्योर रहेगा टिल द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑडिटर, टिल द टर्म ऑफ ओरिजिनल ऑडिटर, ओरिजिनल ऑडिटर के टेन्योर तक के इनका टेन्योर हो सकता है,
ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। सबसेक्शन नंबर है 8, सबसेक्शन 8 के बाद में 9 से लेके 11 है, जिसके अंदर ये बोला है कि आप ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करते हो और जनरल मीटिंग में उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हो, तो ऑडिटर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का यहां पे खास प्रोविजन है। यह बात आपने याद रखना है कि ऑडिटर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है अगर आप उसके जगह पे कुछ भी नहीं करते हो तो। लेकिन वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं होगा अगर उसका रोटेशन जो 5 साल का बिग कंपनी में, बिग कैट में 5 ईयर्स का जो रोटेशन लगता है, 10 ईयर्स का जो रोटेशन लगता है, वो अगर उसका कंप्लीट हो गया, वो अगर उसका क्या हो गया, बोले एक बार उसे कंप्लीट हो गया, तो फिर वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट रोटेशन खत्म होने के बाद भी लगता है क्या? तो सीरियस आंसर है बच्चों, नहीं। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट रोटेशन होने के बाद भी नहीं लगता है। यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यह चीज को बड़े अच्छे से आपने कंसिडर करना चाहिए। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चल बहुत बढ़िया। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के बाद में रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। नॉर्मली ऑडिटर का रिकमेंडेशन ये हमेशा ऑडिट कमिटी ही देता है, ठीक है। ये होने के बाद में अगला आता है सेक्शन नंबर 140, जिसके अंदर है दैट इज रिमूवल एज वेल एज रेजिग्नेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं रिमूवल क्या है। ऑडिटर के केस में अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है कंपनी को, तो कंपनी ने इसके लिए प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना चाहिए, प्रायर सीजी अप्रूवल। और साथ साथ में ऑडिटर को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिसको हम प्यार से रॉर कहते हैं, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ बोलने का कि भाई कि उसको रिमूव क्यों ना किया जाए। ये रिप्रेजेंटेशन आप जनरल मीटिंग में सर्कुलेट कर सकते हो। साथ में ऑडिटर को जनरल मीटिंग में ओओबीएच मिलेगा। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रॉर और ओओबीएच में फर्क क्या है, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में फर्क क्या है। तो याद रखना, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंटेशन है जो ऑडिटर खुद होके मीटिंग में बोलता है, जो ऑडिटर खुद होके मीटिंग में बोलता है कि भैया मुझे ये कहना है। पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये वो है कि जिसके अंदर ऑडिटर से सवाल पूछे जाते हैं और ऑडिटर उसका जवाब देता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब सवाल जवाब, और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब खुद होके बोलना। ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों ऑडिटर को मिलता है। कई सारी जगह पे इन दोनों को मिलकर एक ही बताया जाता है, बट दैट इज डिफरेंट। रॉर इज डिफरेंट, ओबीएच इज डिफरेंट। फिर भी ऑडिटर को अगर आपको रिमूव करना है, तो आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन बोले एक बार? स्पेशल। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, मतलब बहुत खतरनाक है। पहले तो प्रायर सीजी अप्रूवल भी है और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन भी है, मतलब इतना आसान नहीं है भाई साहब हमको अकालना, हम ऑडिटर्स को अकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर है एनसीएलटी। अगर एनसीएलटी को कभी सीजी वगैरह से कोई रेफरेंस मिलता है, तो या सिव मोटो एनसीएलटी ऑडिटर का रिमूवल कर सकता है फ्रॉड वगैरह के केस में। और ऐसे केसेस में ऑडिटर को 15 दिन में ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। नॉर्मली फ्रॉड के केस में या इलीगल एक्टिविटी के केस में ही एनसीएलटी ये करता है, तो ये चीज को याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट वाला चीज, रेजिग्नेशन। तो ऑडिटर कब रिजाइन करता है? नॉर्मल कंपनी के केस में द स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन शॉल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज इन एडीटी फॉर्म नंबर 3। एडीटी फॉर्म नंबर 3, 30 डेज के अंदर हम रेजिग्नेशन कर देंगे आरओसी को। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी द स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन शॉल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज इन द फॉर्म नंबर एडीटी 3 विद द कंपनी आरओसी और द सीएजी, ठीक है। एडीटी 3 में आपको फाइल करना पड़ेगा यहां पे फॉर्म। इन केस ऑफ फेल्यूअर टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन आपको 50,000 तक का फाइन लगेगा या अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन एडिशनली कंटेनिंग फेल्यूअर के लिए 500 पर डे, मैक्सिमम टू 2 लाख। ये रेजिग्नेशन के लिए। सो ऑडिटर अगर नॉर्मल कंपनी में रिजाइन करे, तो भाई साहब एडीटी 3 कंपनी को और आरओसी को दो। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर रिजाइन करे, तो एडीटी 3 कंपनी, आरओसी और सीएजी तीनों को दो। यहां आपको देना है सिर्फ 2 लोगों को, यहां आपको देना है 3 लोगों को। ये चीज को आपने याद रखना। यही प्रोविजन 140 के टेक्स्ट फॉर्म में आपके पास दिए गए हैं। मैं आपको 1 मिनट देना चाहूंगा, रीड कर लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। गो फॉर इट फास्ट। अदर लॉस को हम आगे कवर करेंगे, जब हम रिवीजन आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। सीएमए इंटरलॉ के लिए रिलेवेंट है। आयुष बेटा
सीवीए का टेन्योर अप टू कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम इसलिए होता है क्योंकि उतना ही ओरिजिनल ऑडिटर का टेन्योर होता है, दोनों सेम ही है। ओरिजिनल ऑडिटर का टेन्योर या नेक्स्ट एजीएम तक के सेम ही तो बात बोला मैंने, क्या चेंज है? चलो रीड कर लो फटाफट, हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज, इमीडिएटली आगे बढ़ जाएंगे 141 के ऊपर। डन एवरीबॉडी, आरटीपी का वीडियो नहीं आएगा, अमेंडमेंट हम सेपरेटली दे देंगे। अमेंडमेंट इस बार 10 मिनट के ही है, रिवीजन सीरीज के एंड में हम इसको दे देंगे। चल नेक्स्ट सेक्शन है 141। अब पहले तो आपको 141 का स्ट्रक्चर समझ में आना जरूरी है, ठीक है? सबसे पहले 141 में सबसेक्शन 1 के अंदर सीए फर्म होना चाहिए ऑडिटर, मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर का सेक्शन है। सो 141 में बोला है गया है सबसेक्शन 1 में कि सबसे पहले सीए फर्म होना चाहिए। दूसरा, फर्म के अंदर नहीं सीए फर्म तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स सीए और वो इंडियन होने चाहिए तो ही ऑडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऊपर थोड़ा सा एक देके रखा है कि आप किस किस के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हो। तो कोई भी सीए पार्टनरशिप कर सकता है किसी दूसरे सीए के साथ, सीएस के साथ, सीएमए के साथ, लॉयर एडवोकेट के साथ, एक्चुअरी के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, इंजीनियर के साथ, क्लियर है? और ये फर्म ऑडिट कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर इसमें सीओपी होल्ड करने वाले चाहिए, माइनॉरिटी कोई भी अदर हो सकता है, मेजॉरिटी सीए सीओपी होल्ड करने वाले चाहिए। दूसरी बात बोली गई है, सीए फर्म में सीओपी होल्ड करने वाले पार्टनर ही ऑडिट साइन कर सकते हैं, बाकी लोग ऑडिट साइन नहीं कर सकते। ये पहले दो सबसेक्शन में बोला है 141 के सबसेक्शन 1 एंड 2। फिर सबसेक्शन 3 में बोला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स, जो यहां पे मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले क्लॉज ए के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर करके नहीं चलेगा। इसलिए आपने देखना कि इंडिया में कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है एक्सेप्ट एलएलपी जो ऑडिटर है। ऐसा कोई प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको कभी नहीं देखेगा जो ऑडिट कर रहा है। हाँ, लेकिन केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, इन एलएलपी को ऑडिट करना अलाउड है, एलएलपी चलता है, ठीक है? बी में कोई भी ऑफिसर एम्प्लॉय जो कंपनी का है वो ऑडिटर नहीं बन सकता, कंपनी का खुद का ही ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिटर कैसे बनेगा? तीसरा, कोई भी एम्प्लॉय या पार्टनर है ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का, मतलब कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय है, दर्शन इस्पात लिमिटेड का ऑफिसर एम्प्लॉय है और उस ऑफिसर एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय या पार्टनर है तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब इन लोगों का ही अगर कोई कनेक्टेड पर्सन है तो भाई साहब वो ऑडिट नहीं कर सकता, क्लियर है कंसेप्ट? तो बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है, ऑफिसर एम्प्लॉय अलाउड नहीं है, ऑफिसर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय पार्टनर भी अलाउड नहीं है, क्लियर है कंसेप्ट? फिर डी वाला, इसे हम डिवाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं। इसमें खुद ऑडिटर या उसका रिलेटिव या पार्टनर, एआरपी मतलब ऑडिटर रिलेटिव या पार्टनर, इन्होंने किसी ने भी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी या कंपनी के अंदर नीचे दिए गई चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो ऑडिटर उसका रिलेटिव या उसके पार्टनर का कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के साथ में नीचे दिए गए चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे शेयर होल्डिंग ऑडिटर का 1 रुपए का भी नहीं चलेगा, ऑडिटर का खुद का 1 रुपए का भी शेयर होल्डिंग यहां पे नहीं चलेगा, ऑडिटर सिंगल रुपीस का भी शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता। हां, रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया है कि वो 1 लाख तक का शेयर होल्डिंग रख सकता है, रिलेटिव को 1 लाख तक के फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू 1 लाख तक के शेयर होल्डिंग चलेगा, हाँ मार्केट वैल्यू नहीं, नहीं तो भाई साहब इसका एमआरएफ का शेयर ही 70,000 रुपए का आता है, ठीक है? तो फेस वैल्यू 1 लाख चलेगा, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ऑडिटर रिलेटिव या पार्टनर इंडिविजुअली इंडेबटेड नहीं होने चाहिए। इंडेबटेड नहीं होने चाहिए मतलब कि भैया उनका कंपनी की तरफ कोई डेट नहीं होना चाहिए, कंपनी को उनको पैसा नहीं देना चाहिए, कितना 5 लाख रुपए, और ये इंडिविजुअली, हाँ हर एक का अलग, मतलब ऑडिटर का 5 लाख अलग, रिलेटिव का अलग, पार्टनर का अलग, ठीक है? इंडेबटेड नहीं होने चाहिए, 5 लाख तक के चलेगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 लाख तक के है तो आप ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है? तीसरा, कोई भी गारंटी श्योरिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी गारंटी ऑब्लिक श्योरिटी नहीं देना चाहिए ऑडिटर रिलेटिव या पार्टनर ने 1 लाख तक के, कितना बोले एक बार जो से, 1 लाख तक के, 1 लाख तक के गारंटी श्योरिटी दिया हुआ चलेगा, 1 लाख के ऊपर का कोई भी गारंटी श्योरिटी यहां पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 1 लाख के ऊपर का गारंटी श्योरिटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ये इंडिविजुअली मतलब ऑडिटर का अलग, रिलेटिव का अलग, पार्टनर का अलग, इसे हम कहते हैं डिवाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन। तो भाई साहब बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है, ऑफिसर एम्प्लॉय अलाउड नहीं, ऑफिसर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय पार्टनर अलाउड नहीं है, डिवाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन भी अलाउड नहीं है।
उसके बाद में स्पेशल बिजनेस अगर आप करना चाहो तो स्पेशल बिजनेस भी बेसिकली स्पेशल बिजनेस भी अलाउड नहीं है, इसको पिक्यूनरी रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्यूनरी रिलेशन। पिक्यूनरी का मतलब वालों से रिलेशन, कोई भी ऑडिटर का पिक्यूनरी रिलेशन नहीं चलेगा कंपनी के साथ में। पिक्यूनरी रिलेशन मतलब मेजर डेटर, मेजर क्रेडिटर, मेजर लेंडर, मेजर बोरोवर, मेजर सप्लायर, मेजर क्रेडिटर, मेजर लीज वाली लैंड देने वाला, लीज वाली बिल्डिंग देने वाला, या मेजर लीज लेने वाला की कंपनी के लैंड बिल्डिंग जिसने लीज पे ली है, ऐसा कोई भी बंदा यहां नहीं चलेगा, क्योंकि जिसका सब्सटेंशियल बिजनेस रिलेशन है वो ऑडिट अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कंपनी का जो ऑफिसर और एम्प्लॉय था ना, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं चलेगा। क्लॉज एफ में बोला है उसका रिलेटिव भी नहीं चलेगा, मतलब देखो ऑफिसर एम्प्लॉय तीन बार आ रहा है, खुद ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं चलेगा, उसका एम्प्लॉय पार्टनर नहीं चलेगा, फिर इनको याद आया रिलेटिव नहीं चलेगा, तो एफ क्लॉज में डाला। अबे एफ में काय को डाला, इधर ही डाल देते बी क्लॉज के अंदर, सी क्लॉज के अंदर। नहीं नहीं, पहले हम ऑफिसर एम्प्लॉय लिखेंगे, फिर हम एम्प्लॉय पार्टनर लिखेंगे, फिर हमको जब याद आएगा तो हम उसका रिलेटिव लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सीए इंटर के बच्चे को हम टॉर्चर कैसे करेंगे हैं? तो ये तरीके से ये भाई साहब ड्राफ्टिंग करते हैं। मैं रहता तो मैं ऑफिसर एम्प्लॉय, हिज एम्प्लॉय पार्टनर एंड हिज रिलेटिव, ये सभी एक क्लॉज के अंदर डाल के खत्म कर देता था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, पर इन्होंने अलग अलग किया है क्योंकि तुम्हें टॉर्चर करना है। मुबारक हो, एंजॉय। नेक्स्ट वन, ये होने के बाद में क्लॉज नंबर जी में ऑडिटर को बोला गया है कि उसको एम्प्लॉयमेंट लेना अलाउड नहीं है, मतलब ऑडिटर एम्प्लॉय कहीं और पे नहीं चलेगा, क्योंकि जो बंदा कहीं और पे एम्प्लॉय होता है उसको आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीओपी ही इशू नहीं करता, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और जिसको सीओपी इशू नहीं करता वो ऑडिट कर ही नहीं सकता। अगर आपके पास सीओपी नहीं है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो। दूसरी बात, आपको मैक्सिमम ऑडिट अलाउ किया गया है 30, मैक्सिमम ऑडिट 30 अलाउ किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम 20 है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर, डोरमेंट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर, स्मॉल कंपनी ओपीसी है, और जो मैक्सिमम 10 एडिशनली अलाउड किए हैं वो प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ के नीचे, जो मतलब जो यहां कवर्ड नहीं है वो मैक्सिमम 10 इस साइड कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये लिमिट थोड़ी सी अच्छे से याद रखना, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, ये आईसीआई ने बोला है। हाँ, ये लिमिट्स आईसीआई ने बोली गई है, ये 30 वाली लिमिट आईसीआई पर एक्ट दोनों ने बोला है, तो ये बड़ी काम की है, प्रैक्टिकल भी है, ये चीज को याद रखना। फिर उसके बाद में एच, फ्रॉड किया ऑडिटर ने तो भाई साहब 10 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड, किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। और आय के अंदर ऑडिटर इनवैलिड सर्विसेज नहीं दे सकता सेक्शन 144 के हिसाब से, ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। 144 के हिसाब से इनवैलिड सर्विसेज यहां पे नहीं चलेगी। अब ये है आपका भाई साहब पूरा का पूरा सबसेक्शन नंबर 3। साथ में बोला है अगर आप ऑलरेडी ऑडिटर हो, आप ऑलरेडी ऑडिटर हो और आप सबसेक्शन 3 में से कोई भी चीज अगर आपके को लग जाती है तो आपको इमीडिएट वैकेशन करना पड़ेगा, मतलब आप ऑडिटर हो। ये तो 3 तो बोलता है कि भैया अगर आप इसमें से कुछ भी हो तो आपको ऑडिटर बनना अलाउड ही नहीं है, आपको ऑडिटर बनना अलाउड ही नहीं है। और 4 कहता है कि आप ऑलरेडी ऑडिटर हो और इसमें से कुछ भी आपको लग गया है इसमें से, तो आपको इमीडिएट वैकेशन करना पड़ेगा, इमीडिएट वैकेशन ऑफ ऑफिस आपको लग जाएगा, ये यहां पे बोला गया है। ये है पूरा का पूरा 141। समझ में आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बोलिए, प्लीज जरूर बोलिए कमेंट करके। और 141 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो मैं 1-2 मिनट देना चाहूंगा, कृपया इस सेक्शन को पूरा रिवाइज कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट इमीडिएटली। चलो डन एवरीबॉडी। हो गया है सबका? गुड इवनिंग बेटा। चलो एक बार इसका मैं मेमोरी टेक्निक भी मेंशन कर दूं आपको, ठीक है? मेमोरी टेक्निक से मैंने इसको याद दिलवाया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मेमोरी टेक्निक से एक बार याद कर लेते हैं फटाफट। ए फॉर एबीसी,
हम बोलते हैं ना एबीसी, एबीसी मतलब गालिनी नालायक लोगो, एबीसी का यहां पे सिंपल मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बी फॉर होता है बदमाश एम्प्लॉय, बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय एंड क्या बोले बाजू से ऑफिसर, बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय एंड क्या बोले बाजू से ऑफिसर, ए फॉर एबीसी, बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय ऑफिसर, सी फॉर दैट इज एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई भी एम्प्लॉय पार्टनर मतलब कनेक्टेड पर्सन, सो ए बी सी, ठीक है। उसके बाद में बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय और ऑफिसर, बदमाश एम्प्लॉय एंड ऑफिसर, सी फॉर कनेक्टेड पर्सन विथ एम्प्लॉय ऑफिसर, कनेक्टेड पर्सन विथ एम्प्लॉय ऑफिसर, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। डी फॉर डेंजरस डिवाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन, कि भाई साहब इसके अंदर तीन है कि भैया शेयर होल्डिंग नहीं रख सकते, इंडेटनेस नहीं रख सकते, और तीसरा गारंटी श्योरिटी नहीं दे सकते, तीन इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके बाद में आता है ई, ई फॉर ई स्पेशल बिजनेस, ई स्पेशल बिजनेस, ई स्पेशल बिजनेस मतलब पिक्यूनरी रिलेशन, समझ में आ रहा है, स्पेशल बिजनेस, बिजनेस बी आई डब्ल्यू एन ई एस एच। एफ फॉर फैमिली ऑफ द ऑफिसर, फैमिली ऑफ ऑफिसर, फैमिली ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिसर, समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय ऑफिसर की कोई भी फैमिली है वो यहां पे आएगी एफ में। जी फॉर, जी फॉर ग्रेटेस्ट लिमिट, ग्रेटेस्ट लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जिसके अंदर आप ऑडिट कर सकते हो, एंड गधा एम्प्लॉय क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है, गधा एम्प्लॉय। उसके बाद में एच फॉर हरामखोर ऑडिटर, हरामखोर ऑडिटर क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, जिस ऑडिटर ने फ्रॉड किया है वो हरामखोर ऑडिटर, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। वैसे अपन ऑडिटर को ऐसा नहीं बोलते, हाँ जो ऑडिटर फ्रॉड करेगा वो हरामखोर ऑडिटर, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो एच फॉर हरामखोर ऑडिटर। उसके बाद में आई फॉर इनवैलिड सर्विसेस, इनवैलिड के वाले बाद उसे सर्विसेस, कौन सी सर्विसेज आपको नहीं देनी है, ये इसका मेमोरी टेक्निक है। ए बी सी, बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय, सी फॉर कनेक्टेड एम्प्लॉय ऑफिसर, डी फॉर शेयर होल्डर इंडेटनेस एंड ग्रेटेस्ट लिमिट, उसके बाद में स्पेशल बिजनेस, ई फॉर, एफ फॉर फैमिली ऑफ एम्प्लॉय ऑफिसर, जी फॉर ग्रेटेस्ट लिमिट, एच फॉर हरामखोर ऑडिटर, आई फॉर इनवैलिड सर्विसेस। इस प्रकार आपको ऑडिट समझना जरूरी है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। यहां सेक्शन नंबर 141 खत्म होता है। फिर 142 आता है रेमुनरेशन का, जिसमें बोला है कि भैया जो बंदा अपॉइंट करेगा वो बंदा रेमुनरेशन डिसाइड करेगा, जैसे जनरल मीटिंग ने अपॉइंट किया तो जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग ने अपॉइंट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएजी ने अपॉइंट किया तो सीएजी। फिर आता है 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये सेक्शन नॉर्मल ऑडिट सब्जेक्ट से ही आप प्रिपेयर करो तो बेटर है। इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको रिवाइज करवा के दिया था और इंपॉर्टेंट एरिया कंसेप्चुअली बताया था, वो है फ्रॉड का रिपोर्टिंग, सेक्शन 143 में सबसेक्शन नंबर 12, रिपोर्टिंग फॉर फ्रॉड। रिपोर्टिंग फॉर फ्रॉड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो ऑडिटर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन, अगर उसको फ्रॉड दिखता है 1 करोड़ के ऊपर या उसको फ्रॉड दिखता है 1 करोड़ के नीचे, अगर उसको 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड दिखता है तो उसने नोटिस देना चाहिए, ऑडिटर गिव अ नोटिस टू ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी ने 45 डेज के अंदर ऑडिटर को रिप्लाई देना है कि ये फ्रॉड क्यों हुआ, कैसे हुआ, 45 डेज में। और फिर ऑडिटर ने इसको 15 डेज के अंदर, ऑडिटर ने इसको 15 डेज के अंदर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये सब्सटेंशियल फ्रॉड है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए एमसीए को फॉरवर्ड कर दो, एमसीए के सेक्रेटरी को। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ के नीचे है तो ऑडिटर ने नोटिस देना है ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उन्हें 45 डेज में ऑडिटर को रिप्लाई देना है सेम, और उन्होंने इसको डिस्क्लोज करना है बोर्ड रिपोर्ट, जो बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन नंबर 134 में है। 134 से याद आया, अकाउंट्स कंपनी के, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के जो चैप्टर के जो वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, तो डिपॉजिट और अकाउंट्स ये दोनों यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर काफी अमेंडमेंट्स आए हैं, तो कृपया इन दोनों वीडियो को आप डिटेल में देखोगे तो बेटर होगा, क्लियर है। ये दोनों आप वीडियो से ही करना, इस बार डिपॉजिट के रूल्स बहुत सारे चेंज है, तो कृपया डिपॉजिट और अकाउंट्स चैप्टर आपने यूट्यूब पर से देखना, दोनों मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। सो ये है आपका फ्रॉड का रिपोर्टिंग 143 में। लॉ में पूछने लायक इतना है, हालांकि ऑडिट सब्जेक्ट में 143 के ऊपर बहुत सवाल आ सकता है, क्योंकि ऑडिट सब्जेक्ट में तो इसके ऊपर पूरे के पूरे 2-3 चैप्टर्स है, ठीक है। सो ये हुआ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर।
144 में बोला गया है इनवैलिड सर्विसेज कि ऑडिटर ने कौन कौन सी सर्विसेज नहीं देनी चाहिए, जैसे मेंशन किया है अकाउंटिंग बुककीपिंग सर्विस नहीं देना है, इंटरनल ऑडिट सर्विस नहीं देना है, डेजिग्नेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सर्विस नहीं देना है, एक्चुअरियल सर्विस नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं देना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं देना, कोई भी आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस या कोई भी दूसरे काइंड की सर्विस उसने देना नहीं चाहिए। इसके अंदर ट्रांजिशन पीरियड मेंशन किया है जो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 144 के अंदर मेंशन किया है कि ये सर्विसेज कौन कौन नहीं देगा, कौन कौन, तो बोला गया है देखो इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ, उसका रिलेटिव, उसका कोई भी कनेक्टेड एसोसिएटेड पर्सन ने ये सर्विस नहीं देना है, ऐसा कोई भी पर्सन इंडिविजुअल जिसके ऊपर इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसका इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या जो इसके ब्रांड नेम पेटेंट नेम के अंदर काम कर रहा है उसने किसी ने सर्विस नहीं देना है। फर्म के केस में सेम, सिर्फ पार्टनर्स के लिए, पार्टनर इटसेल्फ या पार्टनर्स के रिलेटिव्स या उनके पेरेंट्स वगैरह, उनकी सब्सिडरी, उनकी एसोसिएट एंटिटी, उसके बाद में फर्म जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फर्म के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस है या फर्म के ट्रेडमार्क वगैरह में जो काम करते हैं जैसे डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, एएनवाई, इनके ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं, या जिनके जिनका फर्म के ऊपर इन्फ्लुएंस है या फर्म के ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस है या जिनका कंट्रोल चलता है किसी पर्सन के ऊपर, इनमें से किसी भी पर्सन ने 144 के सर्विसेज देने नहीं है, मतलब ना ऑडिटर ने ना उसके कनेक्टेड पर्सन ने, यह चीज यहां पर मेंशन की गई है। यह है आपका सेक्शन नंबर 144। 144 के बाद में आता है 145 जो है साइनिंग का, इसी सेक्शन के लिए तो हम जी रहे हैं। ऑडिटर ने साइन करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाई करना चाहिए डॉक्यूमेंट को, साथ में ऑडिटर ने खुद के ऑब्जर्वेशंस और क्वालिफिकेशंस ये एजीएम में रीड करने चाहिए और एजीएम में इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है क्वालिफिकेशंस के ऊपर और ऑडिटर को उसके ऊपर रिप्लाई देना पड़ेगा, साथ में जो कंपनी का मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसको भी रिप्लाई देना पड़ेगा। इस प्रकार 145 बोला गया है कि साइन भी करो, एजीएम में रीड भी करो और उसके ऊपर रिप्लाई भी दो कि आपने क्वालिफिकेशन क्यों दिए। फिर 146 में बोला है कि एजीएम में ऑडिटर अगर आने वाला है तो हर जनरल मीटिंग का कम्युनिकेशन ये ऑडिटर को होना ही चाहिए, हर जनरल मीटिंग का कम्युनिकेशन ऑडिटर को होना चाहिए। देखो नोटिस एंड कम्युनिकेशन आपको ऑडिटर को देना ही पड़ेगा विद द एजेंडा, और ऑडिटर ये खुद होके या उसका कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऑडिटर या सीए कोई भी, आर्टिकल फार्टिकल को मत भेज देना जीवन के अंदर, ठीक है, ये उस जनरल मीटिंग में जाके बैठे रहेंगे। क्लियर है कांसेप्ट, ये चीज को यहां पे मेंशन किया गया है। फिर आता है कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी, सेक्शन नंबर 147। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑडिट चैप्टर के अंदर मेंशन किया है कि भाई साहब यहां पे कंपनी को पेनल्टी 25,000 से 5,00,000 है, ऑफिसर को यहां पे पेनल्टी 1 साल तक की जेल, 10,000 से लेके 1,00,000, और ऑडिटर को यहां पे अनइंटेंशनल फ्रॉड है, अनइंटेंशनल मतलब जानबूझ के नहीं किया है, तो 25,000 से 5,00,000 और 4x remuneration विच एवर इज लोअर, और अगर इंटेंशनल है तो 1 साल की जेल, 50,000 से 25,00,000 और 8 times ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज ऑब्वियसली लोअर, साथ में रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस ये ऑडिटर को देना पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर 147 का पेनल्टी है। 147 के पेनल्टी के बाद में लास्ट आता है सेक्शन नंबर 148 जो है कॉस्ट ऑडिट का। कॉस्ट ऑडिट बहुत सिंपल सेक्शन है, कॉस्ट ऑडिट जो है वो अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज के केस में इसको प्रिस्क्राइब करेगा और बताएगा कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट भी कर सकता है रेगुलेटरी बॉडी को कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। सीजी मैनर भी बताएगा कि कौन से मैनर में कॉस्ट ऑडिट होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, कॉस्ट ऑडिट शॉल बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब सीएमएज जो आईसीएमएआई एक्ट के अंदर बनाए हुए हैं। कॉस्ट ऑडिटर ये कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए, उसका उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा, उसका रेमुनरेशन भी बोर्ड डिसाइड करेगा। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉर्मली कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, मतलब 139 में हम जो नॉर्मल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑडिट शॉल बी कंडक्टेड इन कंप्लायंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीएमए के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट एक्सक्लूसिवली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ऑडिट के साथ मर्ज कर दिया। प्रोविजन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसे रहेंगे, और कॉस्ट ऑडिटर को जो भी कंपनी ने देना चाहिए वो सभी असिस्टेंस कंपनी देगी, और कॉस्ट ऑडिटर खुद का रिपोर्ट सबमिट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। साथ में रिपोर्टिंग जो कंपनी है वो रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन पीरियड ऑफ 30 days जब से उसको कॉपी मिला गया है। फिर कॉस्ट ऑडिटर का एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन देके रखा है कि किस प्रकार कॉस्ट ऑडिटर होगा, एक्सबीआरएल टर्मिनोलॉजी के अंदर होगा और आपको सीआरए फॉर्म के अंदर इसको फाइल करना पड़ेगा।
साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी मांग सकता है अगर आपको सीजी को सही लगता है तो। कॉन्ट्रावेंशन किया तो सेक्शन 147 वाली ही पेनल्टीज यहां पे रिपीट की गई है, 147 के ही सभी पेनल्टीज यहां पे आपको लग जाएगी। साथ में कॉस्ट ऑडिट रूल्स थोड़े बहुत दिए हैं रेफर करने के लिए, एक मिनट लीजिए और कॉस्ट ऑडिट को एक बार कृपया रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। एक्चुरियल सर्विसेज, ये बेटा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज होता है जो नॉर्मली ऑडिटर देता है। एक्चुरी बनने के लिए प्री क्वालिफिकेशन आपको सीए सीएस या सीएमए का लगता है। चलो डन एवरीबॉडी, ओके। सो यहां पे आपका ऑडिट चैप्टर 139 से लेके 148 खत्म होता है। हाँ, इस चैप्टर के अगर आपको ई फॉर्म्स देखने हैं तो मैं एक बार वापस से ई फॉर्म्स मेंशन कर दूं, ठीक है। मैंने सेक्शंस तो स्टार्टिंग में मेंशन किए ही थे, यहां पे मैं एक बार ई फॉर्म मेंशन कर दूं। एडीटी 1 नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू कंपनी, ये देना जरूरी है। दूसरा एडीटी 2 अप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जो रिमूवल के लिए है। एडीटी 3 नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन जो हमने पढ़ा है। एडीटी 4 रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो दीज आर 4 रिफॉर्म जो ऑडिट चैप्टर में आपको पता होने चाहिए। यहां पूरी तरीके से आपका ऑडिट चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। आज का रिवीजन थोड़ा छोटा ही रख रहा हूं क्योंकि गला थोड़ा सा नासाज है, क्योंकि कंसिस्टेंटली मॉर्निंग 8 बजे से रात के 9-9:30 बजे तक के मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में आधे आधे घंटे के ब्रेक लेके। अच्छा, आगे के रिवीजन के लिए बोलू, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का जो रिवीजन है वो मैं परसों के दिन लूंगा, ठीक है, परसों के दिन लूंगा और वो 11:30 बजे होगा, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग बैचेस में भी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का रिविजन लेना है। तो परसों मैं 11:30 बजे आपका फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 11:30 से 12:15 के बीच में फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का रिविजन लूंगा परसों। कल कोई लेक्चर नहीं होगा, सैटरडे को 11:30 से 1 बजे के बीच में फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का 1 घंटे का नियरली रिविजन होगा, वो कृपया यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिएगा। उसके लिए मैंने अभी यहां पर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, सब 11:30 बजे याद रखिएगा सैटरडे को। दूसरा मैनेजमेंट बचे हुए जो रिवीजन है वो हम संडे को लेंगे नियरली दोपहर के समय को, संडे को दोपहर के समय को। तो 11:30 बजे आप परसों जब मुझे मिलोगे तो मैं संडे का टाइम डिक्लेयर करूंगा। नियरली संडे का भी आपका जो टाइम रहेगा वो 11-12 बजे के आसपास का ही रहेगा दोपहर का, जब हम बचे हुए चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जो मेन मेन चैप्टर्स है उनको, ठीक है। सो आज के लिए हम रिविजन यहां पर रुकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑडिट चैप्टर के बोल दू, कृपया इनको मार्क कर लेना। सेक्शन नंबर जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 से लेके 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 और 8, मतलब 139, 6, 7 पूरा का पूरा ही आप बोल लो तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 9 से लेके 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 140 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 141 इंपॉर्टेंट है। 142 छोड़ दिया तो भी चलेगा, 143 भी, 143 में सिर्फ फ्रॉड रिपोर्टिंग पढ़ के जाना, सबसेक्शन 312 वाला, ठीक है, 143 में। उसके बाद में 144 ऑडिट सर्विसेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 45 नहीं 46 नहीं। 47 कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज मीडियोकर इंपॉर्टेंट है, पर उसकी पेनल्टी पूरे सेक्शंस में लगती है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतने सेक्शंस ऑडिट के आपने करके जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। समझ में आया पक्का? हाँ या ना? 11:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, सैटरडे को 11:30 बजे मॉर्निंग में हम फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का रिवीजन लेंगे और बचा हुआ रिवीजन हम संडे को लेंगे, ठीक है, मॉर्निंग में 11:30 बजे, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना काफी करते हैं, मुझे कृपया आज इजाजत दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। साथ में अगर आपको करना ही है तो आप डिपॉजिट और अकाउंट चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो जो यूट्यूब पे डाले हैं। डिपॉजिट के रूल्स पूरे अमेंडेड है, कृपया उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे का लेक्चर है। ऑडिट अकाउंट्स का भी 3 घंटे का लेक्चर है, कृपया उसको देखिए, तो ये 2 चैप्टर भी आपके साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जब्बा खैर, दस बिना दिया, अलविदा बेटा, बाय बाय।